चाइना लद्दाख में एग्जैक्टली करना क्या चाहता है? क्या चाइना अपने नेबर कंट्रीज के साथ कम्प्लीटली न्यू अप्रोच इनकॉर्पोरेट करना चाहता है और सिंपली ट्राइंग टू टेक एन एडवांटेज ऑफ द COVID-19 मेस टू डिक्लेयर इट्स इंटरेस्ट मोर एग्रेसिवली अगेंस्ट इंडिया? आज के वीडियो में हम भारत और चाइना बॉर्डर के इसी कन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और इस सिचुएशन या कन्फ्लिक्ट के वाइज और हाउस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर दैट लेट्स रीविजिट सम फैक्ट्स। जैसे कि भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर LOC है और लाइन ऑफ कंट्रोल प्रॉपरली डिफाइंड बॉर्डर है, वी हैव LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बॉर्डर विद चाइना। LAC क्लियरली डिफाइंड नहीं है, दस इट इज नॉट अ लाइन बट इट्स अ कंसेप्ट। और इंडिया और चाइना दोनों ही देश इस बॉर्डर को अलग अलग डिफाइन करते हैं और दोनों देशों की बॉर्डर की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। 4th-5th मई को इंडियन और चाइनीज पेट्रोल्स के बीच में नॉर्दर्न बैंक ऑफ लद्दाख पैंगोंग सो लेक में एक वायलेंट क्लैश नोटिस किया गया, वेयर द सोल्जर्स एक्सचेंज ब्लोज, एक दूसरे पर स्टोन फेंका और चाइनीज ट्रूप्स ने भारतीय जवानों पर नेल स्टडेड क्लब से हमला किया। ऑन 9th एक दूसरा कन्फ्रंटेशन नॉर्थ सिक्किम के नाकुला एरिया में हुआ जिसमें कुछ भारतीय जवान घायल हो गए। मई 19th को चाइना ने एक स्टेटमेंट पास किया कि इंडियन सोल्जर्स ने चाइनीज सोल्जर्स को प्रोवोक किया था और चाइना ने सिर्फ वायलेंस का रिस्पांस किया है। जून 15th को आर्मी डेलीगेशंस फ्रॉम इंडिया एंड चाइना हेल्ड डिस्कशंस और उसी शाम को एक दूसरा डिसएंगेजमेंट हुआ जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। इस सिचुएशन में रिटेलिएट करने के लिए हमें यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इसके पीछे चाइना का मोटिवेशन और इंटेंशन क्या है। टू बिगिन विद, असर्टिव एक्शन उससे कहते हैं जब चाइना अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए और गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ठोस कदम उठाता है विदाउट थिंकिंग इफ दे कॉन्ट्रडिक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अदर एक्टर्स। जब हम चीन के असर्टिवनेस के बारे में बात कर रहे हैं, वी टॉक अबाउट न्यू एंड यूनिक चाइनीज बिहेवियर विच इज क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ अदर कंट्रीज। चाइना के इस असर्टिव बिहेवियर का सबसे बड़ा रीजन चाइना का बढ़ता हुआ पावर है, द पावर एट 3 फ्रंट्स, इंटरनेशनल, स्टेट एंड डोमेस्टिक। और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चाइना को यह पावर टोटल 8 सोर्सेज से मिलता है, मिलिट्री, इकोनॉमी, नेशनल परफॉर्मेंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स, जियोपॉलिटिक्स, पोजीशन इन द इंटरनेशनल इकोनॉमी, डोमेस्टिक लेजिटिमेसी एंड सॉफ्ट पावर। ऐसा देखा गया है कि चाइना का इकोनॉमी और मिलिट्री पावर इन जनरल ग्रो कर रहे हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक पोजीशन, डोमेस्टिक लेजिटिमेसी एंड नेशनल परफॉर्मेंस भी ग्रो कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, द मेन लिमिटेशंस ऑफ चाइनाज पावर आर जियोपॉलिटिक्स और ये चाइना के जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से है। एक्सपर्ट्स मानते हैं लद्दाख इवेंट कुड बी पार्ट ऑफ चाइनाज जियोपॉलिटिक्स ताकि वो भारत के साथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर नेगोशिएट कर सके। एक दूसरी थियोरी ये है कि अगर हम चाइना के पिछले 5 असर्टिव अटैक्स को देखें, जैसे कि केबल कटिंग इंसिडेंट, स्कारबरॉ शाउल स्टैंड ऑफ, सेकेंड थॉमस शाउल स्टैंड ऑफ, ऑयल रिंग इंसिडेंट एंड द लैंड रिक्लेमेशन एंड मिलिट्रलाइजेशन ऑफ चाइनीज आउटपोस्ट। रिचर्ड क्यू कहते हैं कि इन इवेंट्स के दौरान चाइना में पब्लिक सेटिस्फैक्शन और नेशनल परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हुई थी। ये रीजन हो सकता है चाइना के असर्टिव अटैक्स के पीछे। और कोरोना पैंडेमिक के दौरान ऐसे मूव्स प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का एक पॉलिटिकल मूव है ताकि चाइनीज जनता में कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान जागे असंतोष को काबू में किया जा सके और प्रेसिडेंट शी के खिलाफ नाराजगी को कम किया जा सके। देयर इज अनदर थ्योरी एक्सप्लेनिंग चाइनाज असर्टिव बिहेवियर। जैकब ग्रिगल, अ सीनियर फेलो एंड ए वेस्ट मिशेल, द प्रेसिडेंट ऑफ सेंटर ऑफ यूरोपियन पॉलिसी एनालिसिस, एक्सप्लेन इन देयर बुक द यूनिक फ्रंटियर दैट चाइना इज अ रिविजनिस्ट कंट्री। रिविजनिस्ट कंट्रीज वो होते हैं जो कि अपने मिलिट्री फोर्सेज को मॉडर्नाइज करते हैं, वल्नरेबल कंट्रीज को धमकाते और डराते हैं एंड देन ग्रैब द स्ट्रैटेजिक रियल स्टेट इन द वर्ल्ड मैप। पर ये चाइना को कैसे हेल्प करता है? चाइना सिर्फ उन बॉर्डर्स को अटैक करता है जो कि क्लियरली डीमार्केटेड नहीं है, जैसे कि भारत और चीन का बॉर्डर जो कि क्लियरली डिफाइंड बॉर्डर नहीं है। चाइना इन एम्बिग्युटी यानी कि अस्पष्टता का पूरा फायदा उठाता है और धीरे धीरे इन बॉर्डर्स पर एक्शन लेता है। पर ये स्टेप्स इतने छोटे होते हैं या फिर अननोटिसेबल होते हैं कि ऑपोजिट कंट्री मिलिटारीली रिटेलिएट नहीं करती है। इन एक्टिविटीज़ को प्रोबिंग बिहेवियर कहते हैं, जिसमें चीन ये टेस्ट करता है कि वो कितनी दूर बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए या फिर बिना किसी का विरोध सहे जा सकते हैं। इन रीसेंट ईयर्स
China has used this approach to increase pressure on Japan in East China Sea and advance China's territorial claims in South China Sea against Philippines, Vietnam, Malaysia and Indonesia. India और China conflict के केस में China initiator भी है और इस conflict का aggressor भी। China के next political और military move इस बात पे depend करते हैं कि भारत चीन के खिलाफ कैसे react करता है। पर इस बार ऐसा लगता है कि चीन भारत में पूरी तैयारी कर कर आया है ताकि वो अपनी strategic aim को अचीव कर सकें। पर वो strategic aims हैं क्या? Experts कहते हैं the aims could be अक्साई चीन और NH-219 से भारत का किसी भी प्रकार का थ्रेट होना रिमूव करना, CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन में भारत का किसी भी प्रकार से थ्रेट होने की संभावना को खत्म कर देना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने के लिए भारत को प्रभावित करना और स्पेशली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इन पर्टिकुलर, और इंडो पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी मैटर्स में इंडिया को US और दूसरे चाइनीज एनिमीज के साथ कोल्यूट करने से रिफ्रेन करना। सो द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट कैन इंडिया डू टू बी प्रिपेयर्ड अगेंस्ट दिस अग्रेसिव बिहेवियर ऑफ चाइना? फर्स्टली चाइना के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है जिसने कि इंडिया को चाइना से इन नए ऑक्यूपेशन के लिए नेगोशिएट करने के लिए एक ऑकवर्ड पोजिशन में खड़ा कर दिया है, और नेगोशिएशन भी एक अनलाइकली प्रॉस्पेक्ट है स्पेशली इन एरियाज लाइक पैंगोंग सो, जहाँ चाइना एग्रेसिवली एक मोटरेबल रोड के कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में लगा हुआ है, एंड इन गालवान वैली जहां रिपोर्ट के हिसाब से चाइना बंकर्स और बैरक्स भी बना रहा है। अगर चाइनीज सोल्जर्स को इंडिया इंडियन जमीन से हटा भी देता है तो जो कंस्ट्रक्शन किया गया है इसे फोन तो रिमेन है, और ये फ्यूचर कंटिजेंसीज में चाइना को हेल्प करेगा। इट्स गोइंग टू बी अ रेडी एसेट फॉर चाइना। एशली जे टेलिस कहते हैं इंडिया इज लेफ्ट विद ईदर लॉन्ग टर्म फॉर्सेस या फिर पेनफुल वंस। Economically, militarily and diplomatically, these are only three options we can hit China with. China को भारतीय जमीन से खदेड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि चाइना इन न्यू acquisitions पे हमेशा के लिए कब्जा जमा सकता है जब तक कि मिलिट्री फोर्स यूज ना किया जाए और चाइनीज ट्रूप्स को बाहर ना खदेड़ा जाए। जैसा कि हमने चाइना की प्रोबिंग टैक्टिक देखी है जहां वो ग्रे जोन्स के एरियाज को acquire करने की कोशिश करते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन एज एन ऑप्शन मे नॉट बी प्रैक्टिकल एंड होल सब्सटेंस सिंस चाइना हैज ओवर 2 मिलियन ट्रूप्स एम्प्लॉयड इन एक्टिव मिलिट्री सर्विस कंपेयर टू 1.3 मिलियन ऑन द इंडियन साइड। चाइना के डिफेंस बजट भारत के डिफेंस बजट जो कि US की 55 बिलियन है उसका 4 गुना ज्यादा जो कि 225 बिलियन है। चाइना स्टैंड स्ट्रेंथ स्टैंड्स एट अ सरप्राइजिंग 13,000 प्लस कंपेयर टू इंडियाज 4,100 प्लस। As its armored fighting vehicles are at the staggering 40,000, India pales into insignificance with over 2,800 only. वैसे ही चाइना के पास भारत से 10 गुना ज्यादा रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। भारत में 266 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं, जबकि चाइना में 2,050। This comparison makes the option unviable, especially in a scenario when country itself is fighting with pandemic internally and the economy is shattered. The short term and the most suggested option by some strategic realists that India should align more closely with US and other rivals of China. वो ये भी suggest करते हैं कि भारत को quadrilateral security dialogue जो कि US, Japan और Australia के साथ है उसे मजबूत करना चाहिए। The quadrilateral security dialogue एक ऐसा informal strategic forum है जो कि United States, Japan, Australia और India के बीच बनाया गया था, जो कि सेमी रेगुलर सबमिट करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और मेंबर कंट्रीज के बीच में मिलिट्री ड्रिल्स भी ऑपरेट करते हैं। द क्वाड्रिलैटरल वाज सपोज्ड टू एस्टैब्लिश एन एशियन आर्क ऑफ डेमोक्रेसी जिसका अल्टीमेट इंटेंशन सेंट्रल एशियन कंट्रीज जैसे कि मंगोलिया, द कोरियन पेनिनसुला एंड अदर कंट्रीज को साउथ ईस्ट एशिया में मिला लेना, वर्चुअली चाइना के आसपास की सारे कंट्रीज का ग्रुप बनाना सिवाय चाइना के। फॉर्मर US स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल मॉर्टन अब्रामोविच इस प्रोजेक्ट को एंटी चाइनीज मूव बताते हैं, जबकि कुछ लोग चाइना के खिलाफ इसे डेमोक्रेटिक चैलेंज भी कहते हैं, जिसमें कि सारे एशियन कंट्रीज इन्वॉल्व हैं और USA इन्हें सपोर्ट कर रहा है। वर्किंग क्लोजली विद एनिमीज और द राइवल्स ऑफ चाइना कैन बेनिफिट इंडिया डिप्लोमेटिकली, एंड टुगेदर दीज कंट्रीज कैन प्रेशराइज चाइना। इकोनॉमिक ऑप्शंस को समझने के लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया है, वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें।
वीडियो ये बताता है कि कैसे इंडिया को सेल्फ सस्टेनेबल और चाइना पर लेस डिपेंडेंट बनाया जा सकता है। एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी, बॉयकॉट चाइना मूवमेंट और बॉयकॉटिंग चाइनीज प्रोडक्ट और मोबाइल एप्लीकेशन आर नॉट टू हर्ट चाइना, बल्कि ये एक्सरसाइज भारत को सेल्फ रिलायंट और सस्टेनेबल बनाने के लिए है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो पोस्ट। प्लीज कॉमेंट बिलो हाउ डिड यू लाइक द वीडियो एंड शेयर योर व्यूज। Please subscribe to the channel and press the bell icon. Thank you for watching.